हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे तो स्टोरी बाय रोमी में आपका बहुत ही बहुत ज़्यादा स्वागत है जिसमें मैं आपको आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ जैसे जो स्टोरियाँ जो हैं वो आप ही जैसे कुछ भाइयों की आप ही जैसे कुछ दोस्तों की हैं जो मैं शेयर करता हूँ उम्मीद है आपको सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा और आप भी उनको अपने आप से रिलेट कर पाओ ये कहानी है विवेक की और विवेक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में कॉलेज में मिले थे पहली बार और वहीं उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया बाद में विवेक नौकरी के लिए बाहर आ गया बॉम्बे आ गया और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी स्नेहा वो दिल्ली में ही रह गई करीबन करीबन तीन साल बाद वो आपस में मिल रहे थे और वो भी जॉब के नाम का लेके, स्नेहा अपने जॉब का नाम लेके बॉम्बे आई थी लेकिन <laughs> बॉम्बे आना तो केवल नाम था लेकिन कारण यह था कि दोनों वो आपस में लिव इन में रह सकें दोनों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा था और उधर वो भी बॉम्बे में ठीक ठाक सेटल हो चुका था तो दोनों ने कहा कि चलो पहले लिव इन में रहते हैं और फिर अपने जब मन करेगा घर वाले राज़ी हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे क्या दिक्कत है इसमें अब विवेक उसको एयरपोर्ट लेने पहुँचा उसे एयरपोर्ट से ले जब वो उसे एयरपोर्ट पर लेने पहुँचा तो जब उसने उसे फर्स्ट टाइम देखा इतने सालों बाद करीब तीन सालों बाद उसने एक ब्लैक कलर का कंप्लीट ब्लैक कलर का जैसे मैंने ऊपर फोटो में दिखा रखा है इसी तरह का एक वन पीस सिंगल टॉप पहन रखा था और लंबे बाल जो के इसमें तो खुले हुए दिखा रखे हैं उसने वो बांध रखे थे जैसे ही उन दोनों का आमना सामना हुआ स्नेहा ने विवेक को अपने गले से चिपका लिया और बहुत ही सारा प्यार दिया कहने लगी कि बाबू देखो कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम और इतने दिनों में वो कह रहा हाँ यार क्या करूँ <laughs> कैरियर की भी मजबूरी थी कैरियर भी बनाना था सेटल भी होना था अब थोड़ा बहुत सेटल हो गया हूँ तो मैंने अब तेरे को तुरंत यहाँ बुला लिया है खैर कोई बात नहीं अब तीन साल के सूखे के बाद अब तो हम दोनों एक साथ हैं कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है वो कह रही हाँ बिल्कुल सही बात है फिर कहने लगी कैरी यार तुमने मेरे बिना अपनी क्या हालत बना रखी है तो इस पर विवेक बोला क्यों क्या हुआ ठीक तो हूँ कह रही मैं नहीं थी तो तुम्हारा देखो कोई ख्याल रखने वाला नहीं था पतले हो गए हो पहले से और देखो क्या हुलिया बना रखा है दाढ़ी भी बढ़ा रखी है बाल भी थोड़े ऐसे बिखरा से रखे हैं कम से कम अब कोई नहीं तुम टेंशन मत लो मैं आ गई हूँ मैं तुम्हारा हुलिया भी ठीक कर दूँगी और सब कुछ ठीक कर दूँगी और तुम्हारी सेहत पानी तो मैं कर ही दूँगी वो कह रहा हाँ बाबू विवेक बोला कि हाँ बाबू क्यों नहीं करोगी आखिर तुम मेरा प्यार जो हो और प्यार तो प्यार ही होता है तुम अब प्यार की सोबत में रह के मैं फिर से बढ़िया हाँ हो जाऊंगा तुमसे दूर था तो मैं भी अपना ख्याल नहीं रखता था कह कोई नहीं अब मैं ख्याल रखने के लिए आ गई हूँ अब तुम सीधा चलो घर पे और रास्ते में कोई दुकान जो पड़ेगी मैं वहाँ तुम्हारा हेयर कट वग़ैरह और यह सब करवा दूंगी तो इस पर विवेक बोला कि अरे जल्दी क्या है आराम से करवा लेंगे वो कह रही नहीं, नहीं नहीं मुझे तीन साल बाद तुम्हें मिली हूँ तुमसे अब मैं तुम्हें एक दिन का भी मोहलत नहीं दूँगी तुम सीधा चलना जो रास्ते में पड़ेगा उस पर मैं तुम्हारी हेयर कटिंग और हेड वो जो है शेविंग वगैरह ये मैं ठीक से करवा दूंगी बोला ठीक है तुम खुश रहो विवेक हंसते हुए बोला ठीक है यार तुम खुश रहो तो रास्ते में जो पड़ेगी मैं वहाँ अपनी बाइक रोक दूंगा और वहाँ से हम दोनों चले गए वो कह रही ठीक है फिर विवेक जब वो बाइक पे बैठ रही थी तो उसे हेलमेट दिया अब वो जब उसने हेलमेट लगाया तो कहने लगा कि अरे बाबू एक बात तो बताओ बाल तो तुम्हारे भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे देखो तब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब कितने बढ़िया थे तुम्हारे बाल वो कह रही हाँ तब तुम मेरे बालों का ख्याल रखते थे अब तुम नहीं रहे तो मैंने भी बिल्कुल ख्याल धरना छोड़ दिया अब जो है ना तो मैं कह रही जैसे विवेक उससे बोला कि बाबू तुम तो जैसे हेयर मुझे ऐसा लग रहा तुमने कई सालों से हेयर कट नहीं करवाया वो बोली कि हाँ बाबू जब से तुम गए हो तब से मैंने करवाया ही नहीं है बिल्कुल भी हो गए हैं ये वो बोला हाँ लंबे तो हो गए हैं तुम्हारे बाल चलो कोई नहीं मौका मिलेगा तो तुम्हारी कटिंग भी कराएंगे वो बोली बिल्कुल क्यों नहीं जो हुक्म मेरे आका आप जैसा कहो मैं वैसा हेयर कट करवा लूँगी अब तो आप कौन सा मुझे घर वालों का डर है दोनों हंसते हुए वो अपनी बाइक पे बैठ गई और वो चल दिए रास्ते में एक रोड के साइड में एक नाई बैठा हुआ था तो इस नेहा ने बोला रुको रुको उसने साइड में रोकी गाड़ी कि बताओ क्या हुआ क्या मैं नाई मिल गया तो विवेक कह रहे यहाँ यहाँ नहीं करवाएंगे किसी अच्छे सलून में चलेंगे वो कह रही क्यों इसमें क्या बुराई है ये भी तो बेचारा अपनी रोज़ी रोटी को बैठा है चलो यहीं करवाते हैं इसका भी वो नहीं बट्टा होगा तो विवेक उसकी बात को मान गया विवेक ने बाइक साइड में लगाई उसके पास पहुँचे बोले बाप और विवेक जो है कुर्सी पर बैठ गया वो बोला बाबू क्या करना है उनने कहा कि शेविंग बना दो इसने बोली हाँ इनकी पहले शेविंग बना दो उसने शेविंग बना दी फिर उसने कहा बाबू अभी हेयर कट भी करवाती हूँ कैसा हेयर कट करवाऊँ तुम्हारा वो बोला बाबू तुम जैसा कहो वैसा करवा दो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ वो बोली भैया एक काम करो इन्हें तुम बिल्कुल गंजा कर दो विवेक कह रहा गंजा गंजा करवाओगी कह रही क्यों नहीं हो सकते गंजे मेरे कहने पे वो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता बिल्कुल होगा चलो भैया जैसा ये कह रही है ऐसे ही कर दो ये गंजा करने को कह रही है तो तुम गंजा कर दो वो बोली हाँ भैया और एक बीच में छोटी सी छोटी जरूर छोड़ना नाई बोला ठीक है मैडम ऐसे ही करूँगा नाई ने उसके बालों में पानी लगाया और उसको टकला कर दिया जब वो टकला हो रहा था तो स्नेहा इतनी खुश थी इतनी खुश इतने चेहरे पे एक तो तीन साल बाद मिले उसकी खुशी और फिर बाद में जो उसका कहा हेयर कट हो रहा था वो और वो गंजे होते देख के उसे हंस भी रही थी और उससे मज़े भी ले रही थी वो कह रहा है ले ले बेटा मज़े कोई बात नहीं और वो गंजा हुआ पूरा उसने उसके सर पर खूब हाथ फिराया के ये अब देखो कितने बढ़िया लग रहे हो एकदम चिकनी चांद कर दी तुमने अब बताओ मेरे, मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताओ मैं भी अपना हेयर कट करवाऊँ क्या वो बोला करवा लो तुम्हारी मर्जी है तो स्नेहा कुर्सी पर बैठ गई इतना कह के अब वो बोली उससे कि बाबू बताओ कैसा हेयर कट करवाऊँ वो बोला जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करवा लो कह रही नहीं आज तो इतने दिनों में मिलके इतनी मैं खुश हूँ तुम जैसा कहोगे मैं वैसा हेयर कट करवा लूँगी वो बोला अच्छा देख लो कि हाँ हाँ देख लिया कि सोच लो कि हाँ हाँ सोच लिया इस पर विवेक बोला ठीक है जैसा हेयर कट मैंने कराया है ऐसा ही तुम अपना करवा लो तो वो थोड़ी चौंक गई इसने हाँ कहने लगी यानी कि पूरा सफ़ा चट तुम्हारी तरह एकदम टकली करवाओगे मेरे को भी वो बोला हाँ मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि सोच लो और देख लो वो बोली मुझे क्या पता तुम सोच लो देख लो का मतलब ये बता रहे थे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता तो इस पर विवेक कह रहा है अब तो तुम्हें होना ही पड़ेगा अब तो तुमने हाँ करी है तो इस पर इसनेहा बोली कि कोई बात नहीं भैया तुम मेरे को टकली कर दो पूरी जैसा ये कह रहे हैं वो कह रहा सच में मैडम आप पूरी टकली होना चाहती हूँ हाँ चाहती हो वो कह रही हाँ भैया पूरा टकली होना चाहती जैसे आपने मेरे बाबू को टकला किया है ऐसी बिल्कुल सफ़ा चट मेरे भी सर पे एक भी बाल मत धरना और चुटिया का पूछ लो इनसे चुटिया कहें तो रख देना नहीं तो वो भी सफ़ा चट कर देना बताओ चुटिया रखवाऊँ रहन दो वो कह रहा तो सच में हो रही है टकली वो कह रही हाँ हाँ क्यों नहीं हो रही नहीं हो सकती अपने बाबू के कहने पर जब मेरा बाबू मेरे कहने पर कर सकता है तीन साल बाद में तो मेरे बाबू मेरे को मिला है और कोई चीज़ मेरे को कही है तो मैं क्या पूरी नहीं करूँगी अपने बाबू की इच्छा तो भैया तुम मुझे टकली कर दो और वो कह रहा कि ठीक है भैया जब इसकी जो है चुट्टिया भी छोड़ देना है। जैसे तुमने मेरी छोड़ी है पीछे सर पे छोटी सी वैसी वो कह रही ठीक है भैया ऐसे ही कर देना नाई ने उसके बाल जो है वो कपड़ा बांधने लगा तो कहने लगी नहीं कपड़ा मत बांधो तुम ऐसे ही करो नाई बोला ठीक है जी जैसी आपकी इच्छा नाई ने उसके बाल पहले थोड़े से बाए कंघे कंघा करे कंघा करने के बाद उसने उसके बालों पर कैंची चला दी इस पर विवेक बोला अल्लाह थोड़ा मैं भी ट्राई करूँ वो तो कह रही हाँ तुम भी कर लो ट्राई <laughs> तो विवेक ने भी उसके बाल जो है थोड़े पहले कंधे तक काटे फिर उसके बाद कान के साइड से काटे फिर पीछे से थोड़े काटे फिर ऊपर से टॉप पे पकड़ के काट दिए बाल का, काट काटते टाइम जितना विवेक खुश था उससे ज़्यादा वो कटवाते टाइम खुश थी <laughs> वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कह रही बाबू बताओ मैं भी तुम्हारे जैसी हो जाऊँगी कितनी बढ़िया लगूंगी ना हम दोनों एक जैसे लगेंगे सब हमें टकला टकली बुलाया करेंगे उसने हँसते हुए बोला तो विवेक भी उसने बात पर हँस दिया अब जो है उसकी जो बाल काफ़ी छोटे छोटे काट दिए और सारे बाल उसकी पूरी बॉडी पे बिखर गए कंधे से गिरे और फिर उसके वापस नीचे उसके पैरों के पास गिर गए फिर नाई ने कहा कि अब उसने स्नेहा बोली विवेक से कि अब टकली भी तुम ही करोगे टकली तो उन्हें कर दो तो मैं पता नहीं उस तरह कहीं मेरे सर्वर पर ना मार दो वो कह रहा ठीक है जैसी तेरी अच्छा फिर नाई ने उसके बालों को पूरी तरह से भिगोया और उसे अच्छे से टकली कर दिया जब स्नेहा पूरी टकली हो गई और उसने अपने सर पे हाथ फिराया अपने आप को शीशे में देखते हुए कहने लगी ओ वाह बाबू कितना ठंडा ठंडा लग रहा है सर पे और सर कितना एकदम बिल्कुल चिकना हो गया है, है ना वो कहने लगा हाँ बाबू बिल्कुल एकदम कि जैसे मेरा चिकना हुआ ऐसे ही अब तुम्हारा हो गया और फिर उसके बाद स्नेहा उठी उसको पैसे दिए फिर दोनों बैठे बाइक पे वो कह रही नहीं मैं थोड़ी देर हेलमेट नहीं लगाऊंगी मैं अपने टकले पर जो ठंडी ठंडी हवा है उसे महसूस करना चाहती हूँ वो कह अच्छा ठीक है तो कर ले जब कोई पुलिस वाला दिखे तो फिर हेलमेट लगा लियो कि ठीक है अब फिर वो दोनों अपने फ्लैट पर आए फ्लैट पर आके फिर दोनों नहाए धोए और खूब इन्जॉय किया और इसी तरह उनकी जो है लाइफ आगे बढ़ने लगी बाद में उन दोनों ने जाके शादी कर ली तो उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आपको सुनने में मज़ा आया होगा और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरी हाथ तक सुनी आपने मेरे को टाइम दिया इतना बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए प्लीज़ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो उसके लिए लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ही के सपोर्ट से मैं हूँ वरना मेरे जैसे